हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? अपना ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे? कोविड 19 फैला हुआ है तो अपना ख्याल बहुत बहुत रखिए। और आज हम लेकर आए हैं इसरो वर्सेस स्पार्को। पाकिस्तान का है स्पार्को, आई थिंक इसरो जो है वो इंडिया का है। मैंने ये इसलिए वीडियो चुनी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो जो देखी है एफ टी डी फैक्ट्स के बारे में, वहाँ से मुझे पता चला कि आई थिंक इंडिया जो है वो स्पेस में उन्होंने है वाटर तलाश किया था, आई थिंक ऐसा कुछ करके। सो मैं वहाँ से मैंने बोला अगर ऐसा है तो फिर मतलब ऐसी वीडियो देखनी चाहिए। तो मुझे मैंने सर्च किया तो मुझे एक वीडियो मिली जिसमें ये था स्पार्को वर्सेस इसरो, ये इसरो इंडिया का है। सो ये चीज़ देखकर मैंने बोला कि भाई देखना तो चाहिए ना, मतलब क्या है इस वीडियो में इंडिया का पता चलेगा, साथ साथ पाकिस्तान का भी पता चल जाएगा। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। हम सभी ये बात जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए स्पेस और साइंस का कितना बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए हर देश अपने एक सफल स्पेस एजेंसी चाहता है जो कि उसे एक बेहतरीन कम्युनिकेशन दे सके और साथ ही साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत कर सके। आज इस एपिसोड में हम भारत और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को आपस में कंपेयर करेंगे। ये कंपेरिजन इसलिए भी सही है क्योंकि दोनों देशों को 1947 में आज़ादी मिली, जिसका मतलब है कि दोनों देशों ने एक ही हालात में और एक ही समय पे अपने विकास की शुरुआत की। लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में कितना फर्क आ चुका है। और साथ ही आप इस वीडियो के द्वारा जान जाएंगे कि दोनों देशों की स्पेस एजेंसी में भी कितना फर्क है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से अनबायस रहूँगा, जिसका मतलब है कि मैं किसी एक देश की तरफदारी नहीं करूँगा। और वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वे गूगल के द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर होंगी। वीडियो के अंत तक आप आराम से फैसला कर पाएंगे कि कौन सी स्पेस एजेंसी ज़्यादा सफल है और कितनी सफल है। चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969 में भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। भारत की आज़ादी के ठीक 22 साल बाद इसरो का जन्म हुआ। इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में स्थित है, जिसका मिशन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत की उन्नति में काम लाना और साथ ही साथ अंतरिक्ष दूसरे ग्रहों की रिसर्च करना। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको का जन्म उनकी आज़ादी के 14 साल बाद हुआ, यानी कि सुपारको इसरो के मुकाबले 8 साल पहले बन चुका था। सुपारको यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का जन्म 16 सितंबर 1961 में हुआ। सुपारको का हेडक्वार्टर कराची में स्थित है, जिसका मकसद है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। बात अगर दोनों स्पेस एजेंसी की शुरुआती दिनों की फंडिंग की करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि क्योंकि सुपारको को बनाने में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, तो शुरुआती दिनों में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली होगी। वहीं आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसरो की शुरुआती फंडिंग कैसी रही होगी, जहां रॉकेट और सैटेलाइट के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन बात अगर आज के दिनों की करें तो क्योंकि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी फर्क आ चुका है, तो दोनों की स्पेस एजेंसी की फंडिंग में भी फर्क देखने को मिलता है। जहां भारत दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है, वहीं पाकिस्तान 39वें स्थान पर पाया जाता है। साल 2019-20 में इसरो का बजट 1.8 मिलियन US डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सुपारको का बजट साल 2019-20 में सिर्फ 43 मिलियन US डॉलर है, जो कि इसरो के बजट के सिर्फ 2.3% के बराबर है। लोगों का मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का 11% हिस्सा अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है, जिसके कारण उनके पास स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन एक स्पेस एजेंसी को
अगर अपनी सरकार की तरफ से ज्यादा पैसे नहीं मिलते तो फिर भी वे दूसरे देशों से पैसे जुटा सकते हैं। एक स्पेस एजेंसी दूसरे देशों की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर अपने मिशन के लिए पैसे बना सकती है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई स्पेस एजेंसी कितनी सफलता से सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजती है। बात अगर इसरो की करें तो इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को अपने जन्म के सिर्फ 6 साल बाद यानी कि 1975 में ही बना लिया था। इसरो की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, क्योंकि उन दिनों भारत के पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो इसरो को सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 5 साल बाद इसरो ने खुद का लॉन्च व्हीकल बना लिया था, जिसका नाम रखा गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी कि SLV-3, जो कि 30 से 40 किलो वजन तक की सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था, जिसका मतलब था कि साल 1980 के बाद भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा अपनी सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1990 से 2000 के बीच इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर लिया, जिसका नाम रखा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV। इस रॉकेट की मदद से भारत अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सूरज के सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज पाया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से भारत मौसम के मिजाज को आसानी से पढ़ सकता था और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को किसी भी रूप के नेचुरल डिजास्टर को जांचने में काफी आसानी हुई। साल 2000 से 2010 के बीच में इसरो ने GSLV Mark 1 बना लिया, जो कि PSLV से ज्यादा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल था और 5 टन तक की सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। साल 2010 में इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इसरो ने 2010 की शुरुआत में सफलतापूर्वक खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, जिसका मतलब था कि अब इसरो और भी शक्तिशाली रॉकेट बना सकता था और साथ ही इसरो को किसी और देश की मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। दुनिया के सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन बना सके हैं और भारत 4था ऐसा देश है जिसके पास सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो हालांकि सुपारको इसरो से पहले आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट को बनते बनते 29 साल लग गए। सुपारको की पहली सैटेलाइट बाद्र 1 को 1990 में बनाया गया, जिसे सुपारको और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने मिलकर बनाया था। अगर आप सुपारको के विषय में विकिपीडिया पे खोजेंगे तो वहां आपको साफ साफ नजर आएगा कि 1990 के बाद से सुपारको के बहुत से स्पेस प्रोग्राम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके प्रोग्राम्स में काफी खामियां थी, जिसके कारण सुपारको का विकास बहुत ही धीमा पड़ गया। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। अब उनके लिए चाइना की स्पेस एजेंसी ही आशा की आखिरी किरण है। पाकिस्तान की पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट साल 2004 में बनाई गई। वहीं इसरो ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1981 में ही बना लिया था और जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कम पैसों के कारण उस समय सैटेलाइट को बैलगाड़ी पे ले जाया गया था। अगर बात सैटेलाइट की जाए तो साल 2018 तक इसरो कुल 239 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें से 2 सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च की गई है। इसरो ने कुल 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 11 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 7 नेविगेशन सैटेलाइट, 8 मिलिट्री सैटेलाइट्स और 7 GPS सैटेलाइट, जिसमें से भारत का खुद का एक GPS भी है। भारत विश्व का 6ठा ऐसा देश है जिसके पास खुद का बनाया हुआ GPS है और यह मुमकिन हो सका है इसरो के वैज्ञानिकों के कारण। वहीं अगर पाकिस्तान के सैटेलाइट पर नजर डालें तो सुपारको ने आज की तारीख तक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 1 नेविगेशन सैटेलाइट, 1 मिलिट्री सैटेलाइट और 0 GPS सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो ने साल 1980 में ही खुद का लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया था, जो कि समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता चला गया और आज की तारीख में भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, जो कि 4000 किलो तक की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। भारत के पास खुद का बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन है और C-25 विश्व का 4था सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने में फेल होता आया है और सुपारको को हर बार चाइना की मदद लेनी पड़ती है और जाहिर सी बात है
पाकिस्तान के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन भी नहीं है। अगर हम दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा, जिसने चांद की सतह पे वाटर आइस के मौजूद होने का सबूत दिया, यानी कि वो चंद्रयान था जिसने सबसे पहले चांद पे पानी को खोजा। साल 2010 में भारत विश्व का छठा ऐसा देश बना जिसके पास खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। 24 सितंबर 2014 में इसरो मिशन मंगल के तहत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला स्पेस एजेंसी बना जिसने सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश लिया। साथ ही भारत विश्व का पहला देश बना जिसने पहले ही कोशिश में सफलतापूर्वक मार्स की सतह को छुआ। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की, जो कि आज की तारीख में सफलतापूर्वक ल्यूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अगर चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुपारको के नाम सिर्फ एक अचीवमेंट है कि 7 जून 1962 में सुपारको ने रहबार 1 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था, जिसने पाकिस्तान को विश्व का 10वां और एशिया का 3रा ऐसा देश बना दिया जिसने एक वेसल आउटर स्पेस में भेजा था। तो दोस्तों, इन जानकारी के आधार पर ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि सुपारको इसरो के आसपास भी नजर नहीं आता। भारत की स्पेस एजेंसी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे है और अगर सुपारको को इसरो से रेस करनी है तो उसे काफी तेज दौड़ना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी स्पेस एजेंसी बेहतर है? हाँ, वीडियो खत्म हो गई है और सच बात सही बोला है इन्होंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें और भी कोशिश करनी पड़ेगी इसके मुकाबले में। मुझे नहीं लगता हम पहुंच सकते क्योंकि काफ़ी गैप है हमारे बीच में। पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, अगर मुमकिन करना चाहे तो मुमकिन हो सकता है, बट अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहे, आसार नज़र नहीं आ रहे। सो फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता ही बात है, इंशाल्लाह फिर भी अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी की उम्मीद रखें फवाद चौधरी तो उन्होंने सही बात बोली, हमारी जो मतलब कंट्री की हालात इस तरह के नहीं थे कि हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड करते हैं या ऐसा कुछ होता है। स्पेस वगैरह के ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, हमारे और ही बड़े चल रहे थे काम जो है उनको नहीं हम लोग हैंडल कर पा रहे थे। सो इंडिया जो है वो इस चीज़ में आगे है, हम मानता हूँ, मैं मानता हूँ और अगला कोई माने ना माने, लेकिन मैं फैक्ट्स देख के मान रहा हूँ क्योंकि जो सच है वो तो सच है, वो हमें मानना चाहिए। 239 आई थिंक इन्होंने बोला कि इंडिया भेज चुका है और हमारे जो है आई थिंक वो 10 के करीब भी नहीं है, 9-10 है आई थिंक, इतना कुछ है, हाँ इतने कुछ होंगे तो मैं अभी भूल भी गई थी। सो इंडिया ने जो है वो मैंने बोला था ना कि आपको मैंने पिछली वीडियो देखी उसमें मैंने सुना था कि कुछ इस तरह स्पेस में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड तलाश किया है, वो मून पे तलाश किया था इन्होंने। सो मैं उसी चीज़ को देख के मैंने बोला चलो इसकी इनकी वीडियो देख लेते, तो पाकिस्तान वर्सेस जो है वो था इंडिया, तो फिर इस चीज़ को मैंने देखा, मैंने बोला चलो इस चीज़ को देखते हैं, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो इस पार को टाइप क्या इसका ही था, तो फिर मैंने बोला चलो सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं वीडियो। तो हम लोग वीडियो देख ली है हम लोगों ने और हम इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया इस चीज़ में आगे हो गया है और इंडिया का पिछले टाइम ये अभी थोड़ी पुरानी 1 साल पुरानी है तो इस वजह से वीडियो, तो जो पिछली मतलब इन्होंने यही बात बोली जो लेटेस्ट चल रहा था इनका आई थिंक प्रोग्राम, वो भी इसके बारे में बता रहे थे कि ये जो चंद्रयान 2 या 3 था वो गया था, वो फिर हो नहीं पाया। मैं सो इंडिया मेरी तरफ से आपको थम्स अप, वेल डन। तो इस वीडियो को हम ऐड करते हैं और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।